our YouTube channel Sanra Advanced Education. Today we will study of science subject class 6th, chapter number 1, and the chapter number 1 is food. As you know, the food has a great importance in our life. Without food, we can't live at all. Without food, the life is impossible. Food provides us the energy to do any work. So food is very, very important. Pyare bachcho, in this chapter, we will discuss, we will read the what is food and where does it come from. The kind of foods, food items, and the sources of food. तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाया था? Find out what your friend ate today. आप ये भी पता लगाएं कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है. Did you eat the same kind of food? क्या आपने एक ही प्रकार का भोजन किया है yesterday, कल and today या फिर आज? We all eat different kind of food at different times. हम different यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? भाई आप morning में कुछ करते हैं, कुछ भोजन करते हैं. लंच टाइम में आप कोई दूसरा भोजन करते हैं और हो सकता है इवनिंग में कुछ और करते हो. कहीं बाहर जाते हैं तो फास्ट फूड में कुछ अलग से डिफरेंट आप काइंड फूड आप कुछ लेते हैं. तो ऐसा क्या ऐसा नहीं है? फूड वैरायटीज, फूड वैरायटी फूड की जो किस्म होती हैं यानी कि कितने वो प्रकार के होते हैं यहाँ पर हम स्टडी करेंगे आज. एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी eating during a day. Ask your friends in the school, अपने स्कूल में अपने दोस्तों से, अपने जो साथ के मित्र हैं उनसे आप पूछें about the items, उन items के बारे में, उन food items के बारे में, they would be eating during a day, जो वो पूरे दिन में खाने वाले हैं. See if you can also get this information. तो आप देखें इसको कि जो भी आपको information इनसे प्राप्त होती है, information means जो सूचना या जानकारी आपको इनसे मिलती है. From friends अपने दोस्तों से. Staying in different states जो कि अलग अलग राज्यों में रहते हैं of India भारत के. यानी कि जो भी आपके friends भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनसे जो आपको information मिलती है. List all the items, उनकी एक list बनाएं उन सभी food items की. In your notebook अपने एक notebook में. As given in table 1.1, जो कि आपको 1.1 टेबल नीचे दी गई है, इसके आधार पर उस जानकारी को आप फाइंड करें, प्राप्त करें और फिर एक टेबल बनाएं. For as many friends as possible, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से आप बात कर सकें, उनसे पूछ सकें फूड के बारे में, उतने फ्रेंड्स से आप पूछ करके ज़्यादा से ज़्यादा टेबल यहाँ पर फ्रेंड्स की बनाएं. सबसे पहले आपको करना क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड यानी कि अपने जो फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखना है. फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, जो भी फूड आइटम उन्होंने आज खाया है वो आगे लिखेंगे. इधर फ्रेंड का नाम और आगे उनके द्वारा खाया हुआ जो भोजन है उसका नाम आपको लिखना है और ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है योर सेल्फ. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी किस्म, अलग अलग प्रकार के भोजन. इन द फूड दैट वी ईट, जो हमने खाए हैं वो अलग अलग तरह के फूड आप इसमें देखेंगे. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये फूड आइटम किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये फूड आइटम, देखो अलग अलग फूड होते हैं, तरह तरह के फूड हैं, जैसे कि घर पे बनने वाले फूड हैं, बाहर बनने वाले फूड हैं. ओके, उसमें भी अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स, बहुत तरह के फूड्स हम बनाते हैं. तो ये किस चीज़ के बनते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है. थिंक अबाउट राइस, अगर हम राइस के बारे में सोचें, राइस के बारे में हम विचार करें,
कुक्ड एट होम जो कि घर पे बनता है, सभी के घर पे राइस बनता है। वी टेक रॉ राइस, रॉ मीन्स कच्चा, वी टेक हम लेते हैं रॉ राइस यानी कि कच्चा चावल एंड बॉयल इट, और हम इसको उबालते हैं इन वाटर, वाटर में। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडिड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, यानी कि जो हमारे बॉयल्ड राइस के द्वारा बनने वाला जो डिश होती है, जो भोजन होता है या पकवान होता है, उसे बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, दो मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। देखिए बाउल भी चाहिए हमें, हमें इसके साथ इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, संघटक जो होते हैं जैसे सॉल्ट्स हो गए, कुछ और चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो सम फूड कुछ ऐसे फूड हैं, फूड आइटम हैं, इस तरह के प्रकार के फूड हैं जो जिनको बनाने के लिए हमें बहुत सारे संघटक की आवश्यकता पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि वेजिटेबल की जो हमारी सब्जी होती है उसकी करी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, ओके तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता इसमें पड़ती है। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, हमें डिफरेंट काइंड यानी कि अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल हमारी सब्जी होती हैं उनकी नीड होती है। सॉल्ट, हमें इसमें नमक भी चाहिए, स्पाइसेस यानी कि मसाले भी इसमें चाहिए होते हैं, ऑयल एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे आइटम हमें इसमें चाहिए अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है। सो एक्टिविटी टू, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, यानी कि 1.1 टेबल में हमने जो लिस्ट तैयार की थी उसमें से हम कुछ आइटम चूज करते हैं एंड ट्राई और कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, ठीक है, उन सभी संघटक को फाइंड करने के लिए जो कि इनको बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके बहुत सारे हैं जैसे सॉल्ट हैं, ऑयल हैं, ओके और स्पाइसेस हैं, दे आर मैनी इंग्रेडिएंट्स आर देयर। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, और डिस्कस मीन्स बातचीत करना, यानी कि बातचीत करके अपने या तो दोस्तों से, फ्रेंड से या फिर अपने बड़ों से अपने घर पर, ओके हम इन चीज़ का क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं कि किस डिश को बनाने में या फिर किस फूड को बनाने में किस किस चीज़ की, किस किस इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो वो हम किससे बात करेंगे, या तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे या फिर अपने घर के बड़ों से पूछेंगे। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और इसको हम एक टेबल जो हमें दी गई है 1.2 में बनाएंगे, इसको लिस्ट एक लिखेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, और वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी गिवन गिवन हियर, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, ओके एड सम मोर आइटम, और इसमें कुछ और आइटम भी हमें ऐड करने हैं इस लिस्ट के अंदर। 1.2 लिस्ट हमारे सामने है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ओके यहाँ पर कुछ फूड आइटम के नाम हैं एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, और इसके जो संघटक हैं वो भी आगे दिए गए हैं। देखते हैं, फूड आइटम रोटी या फिर हम चपाती भी इसको बोल सकते हैं। अब रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स यानी कि कौन कौन से घटक यहाँ चाहिए, सबसे पहले आटा चाहिए, और आटे को मलने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। दाल, अगर हमें दाल बनानी है, फूड आइटम हमारा दाल है, तो उसके लिए हमें पल्स चाहिएगी, ओके पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी या तो ऑयल लें या फिर घी लें, और स्पाइसेस और मसाले चाहिए, राइट। तो यहाँ पर पल्स यानी कि वो भी दाल है, कोई भी दाल आप ले सकते हैं, बहुत सारी तरह की दाल हमारे पास है, वी हैव मैनी काइंड ऑफ दाल, ओके पल्स। व्हाट डू वी फाइंड, और हमें क्या इसमें प्राप्त होता है, डू वी फाइंड सम
इंग्रेडिएंट्स कॉमन, क्या हमें कुछ जो संघटक हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमन, यानी कि जो दोनों में सभी में प्रयोग होने वाले हैं, क्या कॉमन मिलते हैं फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स में कॉमन मतलब जो सभी में लगभग यूज़ होते हों, ऐसे ही हमारे संघटक। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में आप डिस्कस करें इसको। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। नाउ 1.2, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, हम बात करते हैं मटेरियल और सोर्सेज की, जहाँ से हमें फूड प्राप्त होता है। इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, यानी कि हम आसानी से ये कल्पना कर सकते हैं उन सोर्सेज की, जो सोर्सेज जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं, हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं टेबल 1.2 में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक तो फ्रूट और वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट फिगर 1.2। ओके, सो फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2A, हमारी कुछ फिगर्स यहाँ पर दी गई हैं और हम इन फिगर्स के द्वारा इसको आपको समझाएंगे। वेयर डू दे कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट्स पौधे वास्तव में, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, और सोर्स और राइस और व्हीट का जो सोर्स है यानी कि स्रोत है वो क्या है, यानी कि यहाँ पर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर ये सभी कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये क्या चीज़ हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रो एंड रोज ऑफ प्लांट्स। यू हैव सीन, आपने देखा होगा पैडी जो कि धान होता है, और व्हीट अनाज के फील्ड्स को विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, एक कतार में, या फिर प्लांट्स जो होते हैं हमारे पौधों के कतार में आपने देखा होगा। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, जो हमें देते हैं ये अनाज। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, जैसे कि हमारे कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो कि हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं। साइड में जो फिगर्स आपको दी गई हैं, प्लांट सोर्सेज, जो प्लांट से मिलने वाले हमारे कुछ सोर्सेज हैं, दालें हैं या फिर फल हैं, फ्रूट्स वगैरह, और सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ये आप देख रहे हैं एनिमल्स सोर्सेज जो हमें एनिमल से फाइंड होते हैं, जैसे मिल्क है, एग एंड मीट। प्यारे बच्चों, एक बार इस चैप्टर की आप अच्छे से रीडिंग करें, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से रिवाइज करें इसको, रीडिंग करें। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, इन सभी वर्ड मीनिंग्स को आप लर्न करें, अपनी फेयर नोटबुक में लिख करके इनको देखें, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे मीनिंग्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में यूज हुए हैं। आई होप दैट यू विल लर्न दीज मीनिंग्स टुडे ओनली। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन यहाँ निकला है इस चैप्टर से, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, हमारे जो भोजन के मेन सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आंसर इज द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आज आपको लर्न करना है, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इस पर अपना कमेंट जरूर करें। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।